ਸਰਸਾ ਦੇ ਵੀਟਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀਟਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਂਗੇ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ DC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MD ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ CM ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਟਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵੀਟਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮੇ ਭਾਰੀ ਗਬਨ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋ, MD ਸਾਹਿਬ ਕੋ, CO ਸਾਹਿਬ ਕੋ, अनिल विज साहब को, कटर साहब को मेल भी भेजी है, CM विंडो भी लगा रखी है, RTA भी मांग रखी है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने एक दिन का धरना रखा, धरना रख के CO साहब को ज्ञापन सौंपा। मैंने CO साहब को ज्ञापन सौंपने बाद उनको एक हफ्ते का टाइम दिया था, अभी एक हफ्ते के अंदर आप हमारी समस्या सुनते हो तो ठीक है, नहीं तो हम 17 तारीख से धरने पर बैठेंगे, पड़ाव डालेंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर हमने वहाँ अपना पड़ाव डाल दिया। 17 तारीख को धरने पर बैठ गए सभी। उसके बाद कोई अधिकारी हमारे पास आया नहीं। एक दिन अधिकारी कुछ आए थोड़े बहुत, वो अपनी ऐसी ऐसे वैसे बोल के चले गए। उसके बाद हम बैठे रहे। 8 दिनों बाद हमारे पास अधिकारी आए, डायरेक्टर आए, चेयरमैन आए, कुछ और पूर्व चेयरमैन भी मौजूद थे, पूर्व डायरेक्टर भी मौजूद थे, गाँव के मेरे पूर्व सरपंच भी मौजूद थे। उन लोगों सब के सामने उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि आप आज के बाद ना तो कोई प्राइवेट दूध उठेगा और ना ही राजस्थान का दूध आएगा। सही से कमेटी बना के हम जांच करेंगे। वो जांच उन्होंने शुरू की, वो फर्जी तौर पे की। उस जांच के नाम पर उन्होंने जो सोसाइटियों बंद पड़ी सोसाइटियों उनमें दूध चढ़ रहा था प्राइवेट, उस दूध की जो कागजात थे वो पूरे करने के लिए गए थे। वो ऐसे ऐसे दूध सही है, कागजों में सही दिखा दिया। धरातल पर जाके आप देखें तो जिस गांव में सोसाइटी चल रही है वो पूरी सोसाइटियाँ चल नहीं रही है। जिस गांव में मेरे गांव में 14 सोसाइटी चल रही है और उनमें से सिर्फ 8 सोसाइटी हकीकत में चल रही है, 6 सोसाइटी नजायज है, उनमें नजायज़ दूध चढ़ाया जा रहा है, राजस्थान का और प्राइवेट डेयरियों का दूध। कुछ कई गाँवों से मिलावटी दूध भी उठा रहे हैं ये लोग, उनसे मिले हुए हैं, पैसे ले रहे हैं, मंथली ले रहे हैं। ये प्लांट का CO है ना बिशंबर सिंह, और बागीराम इंचार्ज है, सीताराम सोनी है, ये सब लोग है ना, ये बने बैठे हैं, वो हिटलर बने बैठे हैं, अपनी मनमर्जी चलाते हैं। प्लांट के अधिकारियों को दूसरे को भी दबाए रखते हैं, उनको बोलने नहीं जाते, जैसा ये चाहते हैं ना वैसा ही उनको करना पड़ता है मजदूरी। बस जैसे हो गया प्राइवेट सोसाइटी के अंदर दूध चढ़ा दिया, राजस्थान से लेके आए, 5 रुपये CM सब्सिडी खा गए, उसमें चढ़ा दिया दूध, 5 रुपये CM सब्सिडी खा गए। इनकी मिली भगता सेटिंग एक ये रखते हैं, इनकी सह बगैर कोई सहकारी समिति की हिम्मत नहीं है, ना BMC की ना MCC की हिम्मत है भी ये घपला कर जाए। इन्होंने सह दे रखी है, छूट दे रखी खुली, आप अगर महीने के 20 लाख कमाओ 10 हमें दो, छूट दे रखी इस चीज़ की भी, आप कमाओ और हमें दो। धरने पर आपको क्या आश्वासन दिया था? जब धरने पर ये कहा गया था भी आपकी सारी मांगें पूरी कर रहे हैं हम, रेट की है बात, रेट हम हमारे ठीक है कुल मिला के, चलो कोशिश करते हैं हम, 5% कमीशन भी हमारा 3.5% पड़ा है 20 सालों से, उसके लिए भी हमने मांग रखी थी। बिजली के बिल बढ़ गए, दुकान का किराया बढ़ गया है, अन्य खर्च भी बहुत बढ़ गए, रजिस्टर लेते तो उसके भी पैसे बढ़ गए, हर चीज़ के पैसे बढ़ गए, तो हमारा कमीशन भी बढ़ा हुआ 5% किया जाए। उस शिकायत वगैरह जी सब जगह की है, पहले CO साहब से स्टार्ट हुआ हूँ, उसके बाद DC साहब को की है, CTM साहब को की है, फिर मैंने CGM साहब को किए, चंडीगढ़ कॉलेज साहब को, MD साहब को की है, कट्टर साहब को, विज साहब को, सबको मेल दी है। उसके बाद मैंने CM विंडो भी लगाई है, RTA भी लगाई है। क्या कहते हैं बड़े अधिकारी? कुछ नहीं कहते, कोई जवाब नहीं आया मेरे पास से। तो अब आप क्या चाहते हैं? जी आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ, ये मिल्क प्लांट है, ये जनता का है और जनता ने इसको सींच के बनाया है और ये बचा रहे, जनता के धरोहर है और जनता के लिए बनी रहे। इसको ये लोग बंद करने पे तुले, ये चाहते भी ये उजड़ने वाला है तो आप अपना घर भर लो जल्दी जल्दी, ये बंद होने वाला है, ये बंद करने पे राजी है, ये बंद हो जाए हम अपना घर भर ले पहले पहले,
हम इसको चलाना चाहते हैं, पेमेंट सही नहीं आ रही जी। पेमेंट अब 60 दिनों की पेमेंट बकाया है प्लांट में, 3 महीने की सीएम सब्सिडी बकाया है। ये पेमेंट के लिए कह रहे हैं भी हमारा माल कम बिक रहा है ना, तो ये मार्केटिंग कर रहे हैं। इनके बंदे हैं जो भी है, कोई काम करके राजी नहीं है, फील्ड में कोई जाते नहीं है लोग, जहाँ स्टोर है वहाँ माल ही नहीं होता। कहते हैं हमारी सेल नहीं है, स्टोर में घी मांगे घी नहीं मिलता, फिर माल बिके कहाँ से जी। आपको पंचकूला एमडी ने बुलाया था जांच के लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्या बना था? मेरे सामने उन्होंने यहाँ जींद के सीईओ है नैन साहब, बीएस नैन है, उनको फ़ोन किया था भी आप वहाँ सिरसा जाओ जांच करो। तो उसके बाद उन 1 तारीख का टाइम दिया था, वो 1 तारीख को मैंने उनसे बात की, सीईओ साहब मैं आप पूछ गए क्या? वो बोले मैं पूछ गया, आप आ जाओ। मेरे आने के बाद वो बोले भी तुम्हारी तो कोई कंप्लेंट ही नहीं है मेरे पास, एक तो सुखपाल की कंप्लेंट है, एक मांगीराम की कंप्लेंट है, और मैं हेडक्वार्टर के बगैर डायरेक्शन के बगैर कैसे आपकी सुनवाई कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मैं आप मेरे सामने बात हुई, उन्होंने मेरे को आया भी आप अपने जो प्रूफ है वो उनको दो और दिखाओ, अपनी समस्या बताओ उनको। तो मैंने फ़ोन पे कोहली साहब को बात की मेरे फ़ोन से, तो उन्होंने मेरा फ़ोन लेके सीईओ साहब को नैन साहब को मैंने दे दिया, उनसे बात कर ली। उन्होंने फ़ोन पे उस टाइम तो मेरे को पता नहीं क्या कहा है, बाद में सीईओ साहब और जो विशंबर साहब है वो और नैन साहब किसी काम थोड़े बाहर चले गए, मैंने सुना उसको फ़ोन पे, तो उन्होंने ये कहा भी यार इसकी भी सुन ले, थोड़ी सुन के इसको भगा दे, दफा कर दे इसको। इसके बाद मेरे को बोले भी आप कोई एक बिल लेके आओ, मैं गाड़ी में बिल लेने के गया, पीछे से ये निकल गए, उनको इन्होंने गिफ्ट पेश करके निकाल दिया, भी आप जाओ आपकी जांच पूरी है। कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई जी। हाँ जी, बड़ी जांच होनी चाहिए। हाँ, बड़ी जांच होनी चाहिए, इनके प्लांट से कोई अधिकारी ना हो जांच में शामिल, या तो डीसी साहब कमेटी गठित करे या हरियाणा सरकार करे भी कमेटी गठित करके इसकी पूरी तहकीकात की जाए। इसमें हर जगह घोटाला है, सरकारी गाड़ी का मिस यूज करते हैं ये लोग। सीताराम सोनी है, उसकी पैर में चोट लगी थी यार, तो उसके लिए गाड़ी यूज हुई है, चंडीगढ़ गई है, दिल्ली गई है, गुड़गांव गई है, उसको ये दिखाते ये हैं भी सरकारी काम से प्लांट के काम से गाड़ी गई है, वो गाड़ी का मिस यूज करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए सरकारी गाड़ी का मिस यूज करते हैं। आप जो सबूत है मेरे पास है इसका ठोस सबूत, इसके अंदर क्या है, इन्होंने 2012 के अंदर एक केस है, मेरा खुद की सोसाइटी थी, पवन कुमार शर्मा के नाम से मेरे फादर साहब हैं, तो उसके अंदर क्या है कि उस टाइम 2012 के अंदर इस मिल्क प्लांट का जो डायरेक्टर था वो महेंद्र पुनिया था। उसके अंदर सीएम विंडो के अंदर एक रिपोर्ट है जिसकी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पूरी रिपोर्ट के अंदर इन्होंने क्या किया है कि फ़ोन, जीप किराया और शेयर पूंजी और जो संघ में जो पार्टी की गई थी उसके पैसे मेरे पापा की पेमेंट से काटे हुए इन्होंने। उसकी एक कॉपी मैं आपको दे देता हूँ यहीं, और दूसरा इसके ऊपर उसके बाद में 2012 के अंदर पापा ने एक 6 नवंबर 2017 के अंदर पापा ने एक RTI लगाया था, उसके अंदर ये पूरा विभाग दोषी पाया गया था। उसकी एक रिपोर्ट मैं आपको अभी दे देता हूँ। और दूसरा ये जो सीएम विंडो की जो कार्रवाई थी सीएम 2017 के अंदर 108 642, इसके अंदर है, मैंने पूरी एक साल तक दो साल तक ये कंप्लेंट चली है मेरी, 14/6/2019 को इन्होंने अपने आप इसको क्लोज कर दिया, ना हमें कोई इंटीमेशन दिया ना कोई बात, पूरा ये तो अब आए हैं इसके अंदर, हम पहले के भुगतभोगी हैं इसके अंदर, बहुत सालों से इसके अंदर SS कोहली होता था उस टाइम, तो उसने बहुत सारे गबन किए हैं इसके अंदर। अब ये क्या करते हैं सीएम सब्सिडी के थ्रू 5 रुपये का जो इनका सिस्टम है ना, वो आधे आप खाते हैं आधे किसी संचालक को देते हैं, प्राइवेट डेयरियों को आधे आप देते हैं आधे लेते हैं। ये प्राइवेट डेयरियों से इन्होंने बड़ा मार्जिन है, सहकारी समितियों से नहीं उठा के प्राइवेट से उठाने की कोशिश करते हैं। टाइम मैं वापस आया कागज़ लेके तो सीईओ साहब नैन साहब और वो दोनों वहाँ नहीं थे, वो बोले किसी से पूछा वो लंच पे गए बाजार में। तो मैं बाहर जो बाथरूम के लिए बाहर निकला तो बागीराम सर जी है इंचार्ज है, वो फ़ोन पर बैठे थे, वो गाली निकाल रहे थे भी जमाल का ऐसे ऐसे आ गया ऐरा गरा ना तू पर इसकी ऐसी की तैसी हो जाए, ये आके मेरे हमें परेशान कर रहा है, कागजात मांग रहा है, क्योंकि मैंने मांगे थे तो जमाल में कितनी सोसाइटियाँ चल रही है उनके नाम पते लिखित में दिए जाए मेरे को, तो सीईओ साहब ने तो उनको ऑर्डर कर दी भैया दो इसको। उन्होंने बाहर जाके अपने किसी मतलब जो उनके साथ मिले हुए हैं उन लोगों को फ़ोन किया भी तंग करा है मेरे को, गाली दी मेरे को, फिर मैंने पर्चा दर्ज करवाया उनके खिलाफ़ कीर्तिनगर थाने में, फिर वो हमारा राजीनामा हुआ है, सारे लग गए
चेयरमैन वगैरह आ गए भी आप चलो इनको बख्शो, उसने माफ़ी मांगी है मेरे से। उसके बाद 31 तारीख को मेरी वो एप्लीकेशन दी हुई थी, मैं डेली आता हूँ प्लांट में, आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे। कल मैं जो इंचार्ज बागीराम के पास गया तो बोले हमने सीओ साहब को भेज दिए, सीओ साहब देंगे, हम नहीं देंगे आपको। मैं सीओ साहब के पास गया ना तो मेरी एप्लीकेशन जैसे टेबल पर रखी, फेंक दी, मेरे को गेट आउट, बाहर निकलो, ऐसे बाहर निकलो नहीं पुलिस को बुलाऊँगा, तुम्हारे खिलाफ केस बनवा दूंगा, सरकारी काम में बाधा डालने का। तो मैं चुपचाप वहाँ से तो निकल आया, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें तो अपनी बातें रखनी थी, वहाँ चलाया अपनी मनमर्जी चला रहे, इसलिए सही चल रही है, ताना सही चल रही है। दोस्तों जेकर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस जरूर करो, ताकि आने वाली हर खबर का नोटिफिकेशन तक पहुँचता रहे। बहुत बहुत।